जी गंदी हरकत भी करते थे मेरे ससुर। यहाँ तक मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। और धीरे धीरे उनका भटक इतना खुल गया कि अपने बेटे के सामने भी कहने लगे थे। और क्या कहने लगे? जी कहते थे कि मेरा लार खा ले मेरे साथ। मतलब मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता था, वो मुझे एक मतलब दोस्त समझ के बता दो, अपना दिल का हाल बताओ। मतलब आपके पति अपने बहन के साथ सोते थे? जी। और दिल्ली में भी गए थे तो मेरे सास ने बोला कि तुम दोनों साथ में सोओगे, मेरी बेटी अकेले सोएगी। जी मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता था, वो मुझे एक मतलब दोस्त समझ के बता दो, अपना दिल का हाल बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ये कौन कह रहा है? जी मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता ने मुझसे पूछा था, जिसकी जानकारी मैंने अपने हस्बैंड को भी दी, अपने सास को भी दी कि मम्मी जी देखिए ऐसे ऐसे पापा जी पूछ रहे हैं। तो क्या वो वल्गर तरीके से गंदगी तरीके से बात कर रहे हैं आपसे? जी मैंने बोला तब तो मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे, बोल रहे थे तो तुम क्या बता दो कैसे उसमें क्या हर्ज क्या है। लेकिन ठीक है तो आप ही बता दीजिए, हम क्यों बता दें। क्या वो अपने बहन और अपने माँ के साथ ऐसे ही करते हैं? पता नहीं, लेकिन मेरा हस्बैंड जब दिल्ली से गांव में आता था तो रात को मेरे पास होता था, और जब हम सो जाते थे तब मेरा हस्बैंड मनीष कुमार रात को कभी अपनी माँ के पास जाकर सोया हुआ रहता था, कभी अपनी बहन के साथ सोया हुआ रहता था। जिसका हम धीरे धीरे तो पहले मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे लगा कि आधी रात को ये क्यों जा रहा है तो मैंने इसका विरोध भी किया कि आप क्यों जा रहे हैं, जब जाना है तो मतलब हम जब जागे होते तभी जाके सो जाया करो। मतलब आपके पति अपने बहन के साथ सोते थे? जी। और दिल्ली में भी गए थे तो मेरी सास ने बोला कि तुम दोनों साथ में सोओगे, मेरी बेटी अकेले सोएगी। तो मेरा हस्बैंड अपनी बहन के साथ लेके सोता था और मैं अकेले रूम में सोती थी। मतलब वो पूरा परिवार जो है इस तरीके से रिश्ते को शर्मसार करता है, यहाँ तक कि भाई बहन बहन के साथ सोता है। मतलब कि ससुर जो है आपके साथ सोना चाह रहा है? जी गंदी हरकत भी करते थे मेरे ससुर। यहाँ तक मेरे हस्बैंड के सामने बोलते थे कि मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। और धीरे धीरे उनका भटक इतना खुल गया कि अपने बेटे के सामने भी कहने लगे थे। और क्या कहने लगे? जी कहते थे कि मेरा लार खा ले मेरे साथ, मतलब चल के सो ले कि दिल्ली में ऐसा सब लोग। उसके बाद आपने क्या कदम उठाया, क्या किया उसने? जी अपने हस्बैंड को बताया, और हस्बैंड ने मतलब उसके बाद मारपीट भी किया मेरे हस्बैंड ने मुझसे कि तुम ये सब बातें सबको क्यों बता रही हो, लेकिन जब मेरे साथ हो रहा है तो आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। तो आप वहाँ दबे हुए थे, कुचले हुए थे, प्रताड़ित हो रहे थे, फिर उसके बाद आपने क्या किया? जी हर बार मतलब मेरा जो ससुर था ना वो सोए हुए भी मतलब मेरे रूम में घुस जाता था, तो जिसके लिए उन लोगों ने मीटिंग एक दिन पंचायत करवाई थी और मेरे घर वालों को भी बुलाया गया था। और जबरदस्ती मुझसे साइन करवाया जाता था कि तुम साइन करोगे तो तुमको रखेंगे ना था नहीं रखेंगे, तो उसका उपयोग ये लोग कोर्ट में भी मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं। ये पूरा परिवार ही ऐसा गंदा है क्या जो इन पर? अब ये बताइए, ये कैरेक्टर करने वाले लोग का नाम बताइए, आपके पति, आपके ससुर और जितने भी लोग हैं। जी मेरे पति मनीष कुमार, जो कि मुझे हर समय दबाव डालता था कि मैं उनके चाचा के साथ मतलब संपर्क में अधिक से अधिक रहूं, मतलब फोन भी वो चाहते थे कि दिन भर वो उनके चाचा मुझसे बात करते रहते। मनीष कुमार क्या करते हैं? जी मनीष कुमार आर एम एल हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं। जी।